गुड आफ्टरनून टू ऑल। इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा कुमावत। तो देखिए, हम ऑस्टियोलॉजी में आज बात करेंगे मैंडिबल बोन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखो, एक साल छोड़ करके, एक साल तो जनरली इसके क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, बाकी एग्जामिनर जो है प्रैक्टिकल्स के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, देखो एग्ज़ाम की अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पक्का आता ही। अगर अपन को बोन ऑफ द हेड में क्वेश्चन पूछा तो या तो मैंडिबल पूछता है या फिर मैक्सिला, ये दो ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मेनली राजस्थान में तो यही आते हैं, अदर स्टेट में थोड़ी अलग आ सकती है, बाकी राजस्थान की मैं बात करूँ तो इसमें तो मेनली दो ही पूछते हैं अपन को, मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन, हाँ बात करते हैं मैंडिबल बोन की। तो देखो क्या होती है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन ऑफ द फेस। अपने जो फेस की लार्जेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट, सबसे मजबूत भी है और सबसे बड़ी जो है वो बोन होती है, ठीक है। इट हैज ए होश शू शेप्ड बॉडी। इसके क्या होती है, एक बॉडी होती है जो कि कैसी होती है, होश शू। होश शू सबके देखे हुए ना, जिसके अपन घोड़े की आगे नाल जो बोलते हैं, आगे की तरफ जो शू लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरीके की, इस तरीके की इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, होश शू शेप्ड, ठीक है। विच लोजेस द टीथ, मतलब क्या होते हैं, इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये देखो बॉडी वाला जो पोर्शन है ना, इसी को बोला ही होश शू शेप्ड होगी बॉडी, और क्या करते हैं इस पे, टीथ जो है वो बियर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन, बॉडी को जो है वो डिवाइड करते हैं अपन दो पार्ट में, एक एक हाफ में, ठीक है, एक दूसरा हाफ, मतलब हाफ और हाफ में इसको अपन ने डिवाइड कर दिया, बीच में क्या आ गई, मिड लाइन आ गई। तो यहाँ पे देखो जैसे ये क्या है, पूरी है बॉडी, ठीक है, उसको अपन ने डिवाइड कर दिया हाफ के अंदर, जैसे यहाँ से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो सामने से आप इमेजिन करना कि ये अपनी बोन जो है सामने रखी हुई, उसको अपन बीच में से डिवाइड कर रहे हैं, तो दो हाफ इसके बन जाएंगे, ठीक है, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। तो देखो फिर अपन ईच हाफ की बात कर लेते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, एकदम कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो देखो इसमें अपन ईच हाफ की बात करें तो क्या क्या होता है इसमें, आउटर और इनर सरफेस, दो सरफेस होंगी, एक तो आउटर और एक इनर। आउटर मतलब बाहर वाली, इनर मतलब अंदर की तरफ वाली, मुंह के अंदर की तरफ, ठीक है। और क्या होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, एक तो अपर बॉर्डर जो कि ये जिस पर टीथ होंगे, और एक क्या होगा, लोअर बॉर्डर, जिसको अपन बेस बोलेंगे, ठीक है। तो दो ही यहाँ पे सरफेस आ गई ईच हाफ में, और क्या आ गई, दो ही बॉर्डर्स आ गई। नेक्स्ट देखो इसमें सरफेस की बात करें तो सबसे पहले अपने पास आती है आउटर सरफेस, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पे, तो देखो सिम्फाइसिस मेंटी, सिम्फाइसिस मेंटी किसको बोलते हैं, इट इज द लाइन एट विच द लेटरल एंड लेटरल नहीं सॉरी लेफ्ट एंड राइट हाफ द बोन मीट ईच अदर, मतलब जो राइट हाफ है और लेफ्ट हाफ जहाँ कहीं भी मिलेंगे तो उस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, सिम्फाइसिस मेंटी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें है मेंटल फोरामेन, लाइज बिलो द इंटरवल बिटवीन द प्रीमोलर टीथ, जो प्रीमोलर टीथ होते हैं अपने, है ना, अपने इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर, तो उनमें से जो प्रीमोलर टीथ हैं उनके बीच में इंटरवल्स जो है उसके नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होगा, मेंटल फोरामेन, ठीक है। फिर देखो द मेंटल प्रोट्यूबरेंस, अपनी जो थर्ड है वो आती है टर्म मेंटल प्रोट्यूबरेंस, तो क्या होती है देखो, मीडियन ट्रायंगुलर प्रोजेक्टिंग एरिया, क्या होता है, एक मीडियन ट्रायंगुलर प्रोजेक्टिंग एरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द मिड लाइन, जो अपन ने मिड लाइन बताई उसके नीचे की साइड में, यहाँ की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होता है, मीडियन ट्रायंगुलर प्रोजेक्टिंग एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इंसिजिव फोसा, ये क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है दैट लाइज बिलो द इंसाइजर टीथ, अब जो अपने इंसाइजर टीथ होंगे, इंसाइजर जो सबसे पहले वाले टीथ होते हैं ना अपने, ठीक है, इंसाइजर, फिर आते हैं केनाइन, फिर मोलर, फिर प्रीमोलर, तो यहाँ पे जो इंसाइजर इंसाइजर टीथ हैं उसके क्या होते हैं, नीचे की साइड में, ठीक है, एक डिप्रेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, इंसिजिव फोसा, ठीक है। तो वो अपने कहाँ पे होंगी, आउटर सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनर सरफेस की, इतनी देखो इतनी स्ट्रक्चर जो अपन ने बताई है वो अपने आउटर सरफेस पे जो है प्रेजेंट होती है। देखो इनमें से भी मोस्टली जो है सिम्फाइसिस मेंटी, मेंटल फोरामेन, ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट अपन इनर सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, एक माइलोहायोइड लाइन होती है, क्या होती है, देखो प्रोमिनेंट रिज दैट रन्स ओब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, मतलब नीचे की तरफ और ओब्लिकली, थोड़ी ऐसे तो मैंने सीधी बना दी, क्या होती है, ओब्लिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एंड फॉरवर्ड आगे की तरफ, फ्रॉम बिलो द थर्ड मोलर टीथ, मतलब ये जो थर्ड मोलर टीथ होगा अपना उसकी साइड में, ठीक है, उसके नीचे की तरफ, यहाँ पे ये माइलोहायोइड। देखो अपन अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे आउटर सरफेस, एक मिनट रुकना,
जैसे ये तो अपनी आउटर सरफेस थी, ठीक है, अब अपन इसके अंदर की बात कर रहे हैं कि अंदर की साइड में क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये सब चीजें जो है वो अंदर की साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, माइलोहायोइड लाइन। फिर देखो एक आता है अपना सब मैंडिबुलर फोसा। अब देखो अपन ने क्या बताई थी, माइलोहायोइड लाइन ओब्लिकली और डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब देखो एक आता है अपना सब मैंडिबुलर फोसा, वो कहाँ होगा, डिप्रेशन बिलो द माइलोहायोइड लाइन विच लोजेस द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब देखो इसमें क्या होता है, बिलो द माइलोहायोइड लाइन मतलब नीचे की साइड, ये जो माइलोहायोइड लाइन होगी इसको मैं MHL से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, इसके नीचे की तरफ क्या होगा, एक डिप्रेशन होगा जिसको क्या बोलेंगे अपन, सब मैंडिबुलर फोसा, ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होगी अपनी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास एक फोसा, सब लिंगुअल फोसा। ये कहाँ होता है, तो एक डिप्रेशन अबाउ द माइलोहायोइड लाइन में, मतलब कि जो अपनी माइलोहायोइड लाइन है उसके ऊपर की तरफ क्या होगा, एक डिप्रेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, सब लिंगुअल फोसा, और इसमें क्या होंगी, सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो ये जो है अपनी तीन स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात होगी। नेक्स्ट देखो इसमें आता है जेनाइल ट्यूबरकल, ये क्या होते हैं, देखो फोर स्मॉल एलिवेशन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फाइसिस मेंटी। अब अपन ने सिम्फाइसिस मेंटी क्या देखा था कि जहाँ पे राइट और लेफ्ट हाफ मिल रहे थे वहां पे क्या थी, एक लाइन थी, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि इसकी भी पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे की साइड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, और वहां पे क्या होते हैं, चार स्मॉल छोटे एलिवेशन होते हैं जिनको अपन जेनाइल ट्यूबरकल बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें है माइलोहायलोइड ग्रूव, तो वो क्या होती है, माइलोहायलोइड ग्रूव एक्सटेंड ऑन द बॉडी ऑफ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द माइलोहायलोइड लाइन। जो माइलोहायलोइड लाइन बताई है अपन ने उसके पोस्टीरियर एंड पे, ठीक है, ऑन टू द बॉडी द पोस्टीरियर एंड ऑफ माइलोहायलोइड लाइन, मतलब बॉडी बॉडी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और उस पे जो माइलोहायलोइड लाइन है वहां पे ये एक्सटेंड होती है, ठीक है, पोस्टीरियर एंड पे। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉर्डर्स की, ये बात हो गई अपनी सरफेस की, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बॉर्डर्स की। तो देखो बॉर्डर जो है इसमें दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो अपर बॉर्डर और एक लोअर बॉर्डर, ठीक है। अपर बॉर्डर जो था अपना ऐसे था ना, देखो इसके अंदर क्या थे, टीथ थे, ठीक है, टीथ के लिए सॉकेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें देखो, और इसको क्या बोलते हैं अपन, दूसरा नाम एल्वियोलर बॉर्डर भी अपन इसको बोल देते हैं, इसको एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं। बियर्स शोकेट फॉर द टीथ, देखो यहाँ पे क्या आएंगे, टीथ आएंगे, तो टीथ आएंगे मतलब टीथ किस में फिट होंगे, शोकेट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, शोकेट फॉर द टीथ। नेक्स्ट आता है अपना लोअर बॉर्डर, ये वाला क्या हो गया, लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस, इसको अपन बेस भी बोलते हैं, ठीक है, नियर द बेस शोज एंड ओवल डिप्रेशन कॉल्ड द डायगेस्ट्रिक फोसा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो बेस के पास में, सॉरी बेस के पास में क्या होता है, एक ओवल डिप्रेशन होता है, ओवल अंडाकार एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायगेस्ट्रिक फोसा बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपना रेमस वाला पार्ट आता है, एक तो अपनी ये बात होगी यहाँ तक इसकी बॉडी वाले पार्ट की, देखो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे जो रेमस वाला पार्ट है, रेमस किसको बोलते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल जो पोर्शन है इसको अपन रेमस बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपन रेमस की बात करते हैं। तो देखो रेमस में क्या क्या होता है, रेमस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन शेप, तो इसमें क्या होगा, अपन को पता है देखो क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब दो तो इसमें सरफेस होंगी, कौन कौन सी, एक तो लेटरल सरफेस और एक मीडियल सरफेस, और क्वाड्रिलेटरल मतलब चार किस क्या होंगे इसमें, बॉर्डर्स होंगे, ठीक है, एक तो अपर बॉर्डर, एक लोअर बॉर्डर, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, तो यहाँ पे ये जो है चार इसमें क्या हो जाएंगे, बॉर्डर हो जाएंगे और दो इसमें सरफेस हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखो क्या होता है इसमें लेटरल सरफेस, सबसे पहले अपन लेटरल सरफेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लेटरल सरफेस इज फ्लैट, फ्लैट होगी एंड बियर नंबर ऑफ ओब्लिक रिज, इसमें क्या होंगे, ओब्लिक रिज जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो देखो ये यहाँ पे अपनी लेटरल सरफेस जो है, ये वाला देखो क्या है, रेमस है, इसमें ये जो लेटरल मतलब बाहर वाली जो सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, और ओब्लिक रिज बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीडियल सरफेस की, इट हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, क्या क्या होते हैं इसमें, तो मैंडिबुलर फोरामेन, सबसे पहले अपने पास आता है मैंडिबुलर फोरामेन, ये क्या होता है, देखो इट प्रेजेंट ए लिटिल अबाउ द सेंटर ऑफ द रेमस, मतलब जो रेमस का जो सेंटर है उसके थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ देखो इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये मतलब क्या होगा, रेमस है अपना उसके सेंटर में, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या होगा अपना, मैंडिबुलर फोरामेन। तो देखो यहाँ पे ये जो है मैंडिबुलर फोरामेन यहाँ पे विजिबल नहीं है, ठीक है, नॉट विजिबल, बट यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें
लिंगवल, लिंगवल किसको बोलते हैं, द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन इज मार्क्ड बाय ए टंग। जो अपना मैंडिबुलर फोरामेन की बात की है ना, उस पर क्या होता है एंटीरियर मार्जिन, उसका एंटीरियर मार्जिन क्या करता है, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं लिंगवल। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है अपने पास माइलोहाइलोइड ग्रूव। ठीक है, माइलोहाइलोइड ग्रूव जो है बिगिंस जस्ट बिलो द मैंडिबुलर फोरामेन। अब देखो माइलोहाइलोइड ग्रूव जो है वो अपने ऊपर भी आई है, यहाँ पे देखना ये इनर, एक सेकेंड, यहाँ पे जो इनर सरफेस है यहाँ पे भी आई है। ठीक है, तो मतलब इसका यही हुआ कि ये भी देखो इनर सरफेस की बात कर रहे थे अपन बॉडी की, और यहाँ पे अपन रेमस में भी इनर सरफेस की ही बात कर रहे हैं। इनर मतलब मीडियल सरफेस, क्या इनर सरफेस ही तो है। ठीक है, तो इसकी अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, माइलोहाइलोइड ग्रूव जो है बॉडी में थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होकर के रेमस वाले पार्ट में भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों में आएगी, और कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जस्ट बिलो द मैंडिबुलर फोरामेन, मैंडिबुलर जो फोरामेन बताया उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखना कोरोनॉइड प्रोसेस। अब देखो क्या आते हैं इसमें, दो होते हैं अपने प्रोसेस, कौन कौन से, एक तो कोरोनॉइड प्रोसेस, एक को क्या होता है यहाँ पे कोंडाइलोइड प्रोसेस। ठीक है, कोंडाइलोइड प्रोसेस, तो देखो कोरोनॉइड प्रोसेस क्या होता है, फ्लैट ट्राइंगुलर अपवर्ड प्रोजेक्शन, ऊपर की तरफ फ्लैट ट्राइंगुलर होगा प्रोजेक्शन। ठीक है, फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर पार्ट। अब ये होगा तो क्या, देखो सुपीरियरली, बट क्या होगा एंटीरियर सुपीरियर, मतलब ये आगे की तरफ होगा। ठीक है, और जो कोंडाइलोइड जो प्रोसेस अपना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, और पोस्टीरियर सुपीरियर मतलब ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, आगे की तरफ कौन होगा कोरोनॉइड, और पीछे की तरफ होगा कोंडाइलोइड। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है, इसमें अपन डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। तो देखना यहाँ पे अपना जो है कोरोनॉइड प्रोसेस एंटीरियर सुपीरियरली, और जो अपना कोंडाइलोइड जो प्रोसेस है, यानी इसको मैंडिबुलर कोंडाइल भी अपन बोल सकते हैं या फिर कोंडाइलोइड प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है पोस्टीरियो सुपीरियरली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो देखो अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, चार यहाँ पे बॉर्डर आते हैं। तो सबसे पहले अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर ऑफ द रेमस इज थिन, थिन होता है। ठीक है, और कर्व्ड डाउनवर्ड फ्रॉम फॉर्मिंग द मैंडिबुलर नोच, यहाँ पे क्या बनाता है ये मैंडिबुलर नोच। और जो लोअर बॉर्डर है वो क्या होता है, इज बैकवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ द बेस ऑफ द मैंडिबुल। ठीक है, तो देखना यहाँ पे ये जो ये अपन ने क्या बता दिया, ये है देखो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा अपर बॉर्डर होगा, और ये जो पोर्शन है वो क्या होगा लोअर बॉर्डर। तो ये लोअर बॉर्डर किसके साथ में कंटिन्यू करेगा, इसके बॉडी के बेस वाले पार्ट में। ठीक है, बेस अपन ने किसको बोला था, बॉडी के अंदर जो इनर जो बॉर्डर था, सॉरी इनर नहीं, जो इन्फीरियर बॉर्डर था उसको बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इससे कंटिन्यू करेगा। फिर देखो इसके बाद में एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, थिन होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है थिक होता है। तो यहाँ पे देखना एंटीरियर कौन सा होगा, ये वाला, और पोस्टीरियर जो है ये वाला। ये एंटीरियर क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा, और जो पोस्टीरियर है वो मोटा होगा, क्योंकि ये किसके साथ में कंटिन्यू कर रहा है बॉडी वाले पार्ट के साथ में। देखो एक तरीके से वैसे जो है पोस्टीरियर बॉर्डर इल डिफाइंड है, इसमें एक तरीके से अपन को इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के साथ में डायरेक्टली कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अप्लाइड की। तो मैंडिबल इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड एट द कैनाइन सॉकेट वेयर इट इज वीक, मतलब ये जहाँ पे कैनाइन सॉकेट जो है, कैनाइन जो टीथ है उसके लिए सॉकेट प्रेजेंट है, वहाँ पे ये वीक होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या सकता है कॉमनली फ्रैक्चर्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द नेक्स्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल ऑक्यूर्स इन द एंगल, मतलब जो एंगल प्रेजेंट होता है अपने इसके अंदर। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो देखो ये जो एंगल प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, मैंडिबल में, अब एंगल कहाँ पे होगा, जो अपना रेमस वाला जो पोर्शन पड़ा है ना, उसका लोअर और पोस्टीरियर बॉर्डर, दो बॉर्डर पड़े हैं लोअर और पोस्टीरियर, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, ये कॉमनली फ्रैक्चर इसका हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो अपन ने मैंडिबल जो बोन है वो पढ़ ली है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद करना। देखो डायग्राम जो है ना, किसी भी बोन में डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको ये डायग्राम रफली आपने ध्यान में रख लिया ना, इसको इसका मतलब आपको पूरी बोन आती है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस अपन को एक डायग्राम भी अगर ये याद रख लिया ना, तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ओके, धन्यवाद।